सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू सीरीज ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन्स। यहाँ पर यार दो भाई हैं जो कि अपने पिताजी की मदद करने के लिए पूरा का पूरा खतरनाक काम अपने सर पर ले लिया है, जो कि है एक औषधि लेके आना। तो ये जैसे अपनी औषधि लेके आ रहे थे तो उस समय पे इनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। तो गाइज यार, ये जो मुसीबतें थी, ऐसा था जैसे कि पहले तो इनको कुत्ते मिले, जिस कुत्ते से यार ये बच के आए कैसे भी करके। इन्होंने पूरा अपना हार्ट ट्राई दिया जिससे कि पूरा बचे उस कुत्ते से। और दूसरा ये थी कि यार उनको पहले राक्षस दिखाई दिया जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। और भाई, अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप एपिसोड फर्स्ट को भी देख सकते हैं, उससे आपको पूरा ढंग से, स्टोरी मोड गेम है तो यार आपको अच्छी तरीके से पता चलते जाएगा कि पहले पार्ट में इस गेम के अंदर क्या हुआ। तो यार अभी और नए ऑब्स्टिकल्स मिल गए हैं। हम एक ऐसी जगह पर हैं जो एक राक्षसों के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। तो यार ये जगह बड़ी ही डरावनी है। ये बहुत ही ऊँचे ऊँचे पिलर्स बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं और यहाँ पे यार बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी हैं। तो यार जैसे लटक के जाना, जैसे प्रिंस ऑफ पर्स या फॉरगॉटन सैंड्स के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे कैसे एक प्रिंस अपना पूरा हार्ट ट्राई देके फुल गेम कंप्लीट करता है। तो यार यहाँ पे अभी हम अटक गए हैं, तो यहाँ पर मैं जंप करके जाना होगा जैसे कि छोटे भाई ने करके दिखा दिया। तो आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप नए हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं, तो यार ये छोटा भाई है जो गोल्डन कलर्स का है, जो यहाँ पर एंड में पहुँच गया, और जो बड़ा भाई है जो राइट साइड में अभी जंप करके आया ही है अपने हाथों से। तो यार ये जो छोटा भाई है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शरारती चीज़ें भी भरी पड़ी हैं, तो इसको ज़रा देखना, क्योंकि इसका कैरेक्टर एक ऊपर वाले लेवल का है जिसके अंदर ये हमेशा कॉमेडी करता रहता है। तो यार यहाँ पर एक हमें गेट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारे पत्थर भी हैं, तो हम इस गेट के ऊपर से चढ़ के चले जाते हैं। यहाँ पर अभी हम लटकते हैं और दूसरी साइड की तरफ एक बार चल के देखते हैं। यहाँ पे कुंडी सी लगी हुई है, इस कुंडी के ऊपर हम एक बार जंप करेंगे और उसके बाद इस पर जंप करेंगे। ऐसा ही हमारा भाई बड़ा वाला करेगा। लिटरली अगर मैं असली ज़िंदगी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जंप मारने के लिए जाऊँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगेगा। अगर जंप हो भी जाए, मान लो कि यार जंप हो भी गई, पर यार जब भी इतना बड़ा डर इस वजह से लगेगा क्योंकि यार इतनी ऊंची जगह पर हम जंप कर रहे हैं, अगर थोड़ा भी हाथ फिसला, और ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है इनको भी कितना डर लग रहा होगा, जैसे थोड़ा हाथ फिसला जबकि अभी यहाँ पर हम नीचे गिर सकते हैं जिससे कि इनको बहुत चोटें पहुँच सकती हैं, और बाकी का तो आप सब जानते ही हैं। तो यार यहाँ पर एक और चीज़ हमें दिखाई दे रही है, हैंडल टाइप का सा, तो इसको एक बार चढ़ के पकड़ के देखते हैं। तो यार छोटे, प्लीज़ इसको जल्दी से चढ़ के पकड़ के देख कि यार आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमने इसको पकड़ लिया, अपने आप ही ये हैंडल नीचे चल पड़ा है। तो इसको देखते हैं यार ये कहाँ पर लेके जाएगा। गोल 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 यार ये एक पूरा ये जो खम्बा सा है इसके आस पास में लटके हुए हमें लेके जा रहा है। और भाई इसने हमें यहाँ पर एक ब्रिज से पे आके उतार दिया है। तो यार ये ब्रिज अपने आप ही टूटने लगा यार, हमारे हाथ ही पता नहीं क्या है इसको हो गया ब्रिज को, तो अपने आप ही टूटने लगा। यहाँ पर जल्दी से भी हमें जंप करके जाना पड़ेगा ताकि ये ब्रिज से टूटने की वजह से हम नीचे ना गिर जाएँ। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दो मसाले जल रही हैं और ये तीसरी भी मसाल हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। यहाँ पर कोई यार कैदी दिखाई दे रहा है हमें। अब देखते हैं यार इस स्टोरी के अंदर क्या चीज़ है। इसको देखने से तो यार ऐसा लग रहा है जैसे कि यार बहुत ही ज़्यादा मासूम इंसान, यानी कि मासूम राक्षस रहा होगा, पर ये गलती से इसको मजबूरन इनके साथियों ने या फिर किस पूरा जो इनका ग्रुप है उन्होंने इसके अंदर बंद करके रख दिया है। तो यार ये बता रही है कि यहाँ पर इसके पीछे चाबी रखी हुई है, उसको लेके आ जाओ कैसे भी करके तुम। तो हम यहाँ पर चल दिए, अब हमें उसको लेके आना है। भाई मैं यहाँ पर इसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हिल ही नहीं पा रहा भाई, ये पूरा लटकने के बावजूद भी कुछ हिल नहीं पा रहा है इसका। पर यार बड़े भैया ने पूरा कोशिश करा और पूरा खड़खड़ा दिया। तो गाइस अपने काम की तरफ चलते हैं और देखते हैं यार वो गेट कैसे खुलेगा। वो वाला गेट इस लीवर से नहीं खुल पा रहा है। तो गाइस एक बार चल के देख ही लेते हैं वहां पर क्या है, कैसा सीन है, हम कैसे वहां पे अपना काम कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पर हमें शायद से गेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, पर बड़े भाई को ज़रूरत पड़ेगी। अरे यहाँ पे यार हड्डी कटक गई, उसको पता चल गया राक्षस को, और भाई ये तो काम तमाम कर डाला है इसने हमारा। तो गाइस वापस से ये मिशन स्टार्ट हो गया है, वहीं से हमें चेक पॉइंट जहाँ से मिला था लिवर के पास से, तो वहीं से ही हम अपना मिशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार वापस से हम अपने जाले के पास पहुँच गए। अब जाले के पास में यार इस बार हम हड्डियों पर पाम नहीं रखेंगे और साइड से होते हुए जाएंगे ताकि यार दुश्मन को पता ना चल पाए और हम उसके पीछे से चाबी निकाल लें। तो भाई अभी हम बिल्कुल आवाज़ नहीं करेंगे और धीरे धीरे से आराम से जाएंगे, इसको बिल्कुल अपने जूतों तक की आवाज़ सुनाई नहीं देने देंगे। तो यार राक्षस अभी उस साइड दिख रहा है, अच्छा मौका है। और भाई छोटे तू यार जल्दी से निकाल ले, जल्दी 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 और आराम से निकाल इसे,
और जल्दी आ जा। अबे अबे गिर दी चाबी तूने यार, जा भी उठा यार चाबी, तो यार मेन चीज़ है वो नहीं मिली तो यार क्या मिला, फिर बाद में अपना मिशन नहीं हो पाएगा, अपना टास्क अपना पूरा कंप्लीट करके ही जाना है यहाँ से। तो भाई यहाँ से आ जा जल्दी, आ जा तू, कन्फ्यूज़ मत हो, इस साइड से आ जा तू, आ जा आ जा किनाटे से आ जा, हड्डी या फिर उसकी मिट्टी विट्टी वाली जगह पे या फिर गिट्टियों वाली जगह पे कहीं पे ज़्यादा ज़ोर से पाँव मत रख देना, नहीं तो आवाज़ बहुत ज़ोर से आ जाएगी। चलो जाले में से निकल आए हैं तो यार अब हमारा ये वाला काम तो हो चुका है, तो पहले तो मैं इसकी चाबी खोल देता हूँ, इसका ताला मैं खोल लेता हूँ। भैया आप जब तक यार लिवर खींचो, मैंने यार ताला खोल दिया है, तो यार यहाँ से ओके सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, आप यहाँ पर अपना लिवर खींचना स्टार्ट कर दो। तो पूरा लिवर खींच डाला है, ये राक्षसी बाहर निकल आई, यार बहुत अच्छा लग रहा है, हमने इसकी मदद करी इस गेम के अंदर, ये राक्षसी भी हमें यार बहुत ज़्यादा मदद करेगी अब पूरे गेम के अंदर। तो ये अभी ऊपर चढ़ रही है, शायद इसके ऊपर चढ़ने के बाद मैं ये यार इसको चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसको देखते ऐसा लग रहा है कि जैसे चढ़ना बहुत मुश्किल है। अरे यार हमको तो लगा था यार हमें भी उठाएगी अभी, यार ये क्या कर दिया यार, सुना ही नहीं। मारो यार। अरे यार आराम से यार, ज़्यादा जोर की आवाज़ मत कर यार भाई, उसने सुन लिया, ये क्या तमाशा कर डाला इसने, इस छोटे भाई ने तो यार गलती कर डाली बहुत ही ज़्यादा बड़ी यार। अब ये राक्षस अब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा यार, ये तो बहुत ही ज़ोर से हम अपने पीछे पड़ चुका है, अब यहाँ पे जाके हम छुप जाते हैं तो यार बहुत देर तक छुपे रहेंगे इसके पीछे जब तक कि ये चले नहीं जाता। तो यार अभी यहाँ तक हमें छुपना पड़ेगा यार, यहाँ पर यार अपना छुपना अपना मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो यार ये राक्षस को जैसे पता चला तो ये हमारे पीछे पड़ने लग जाएगा भाई, इसको पता ना चले, बस इससे छुप के रहते हैं, काश इसे पता ना चले यार, आ तो हमारी साइड ही रहा है, कहीं हमारी साइड ही ना आ जाए असलियत में भी उसी साइड से। हाँ हाँ दूसरी साइड जा रहा है, इसको शायद पता नहीं चला, कितना बुद्धू रक्षा। अभी यार बहुत टाइम बाद में स्किप करने के बाद में इस वीडियो को यार मैंने ये वापस से आपको दिखा दिया, क्योंकि यार हम बहुत देर तक छुपे रहते तो यार हमें कुछ नतीजा नहीं मिल रहा था कि हम अब क्या करें, तो इसी वजह से यार हमने सोचा कि अब इसके सामने आना यार ज़रूरी होगा। तो यार इसके सामने आ गए हैं, अभी ये राक्षस वापस हमारे पीछे पड़ गया है, तो भाई अभी मेरा बड़ा भाई ज़ोर से भाग रहा है और इस राक्षस से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, ये राक्षस अपना डंडे से भी यार पूरी ज़मीन को तोड़े दे रहा है और इसने पूरा तहलका मचा के रखा है, पूरी ज़मीन के चितरे चितरे उड़ा रहा है अपने डंडे से। अरे भाई मार डाला छोटा भाई को, तो छोटे भाई को मार डाला यार इस राक्षस ने। अभी लिवर के पास खड़े हैं हम वापस से रीस्टार्ट होने के बाद में मिशन वही उसी चेक पॉइंट से, तो यार ये राक्षस हमारे पीछे पड़ गया वापस से। अब हमने एक नया आइडिया ईजाद कराया कि हम इसके अंदर जाएंगे और इस बड़े से पिंजरे के अंदर यार हम इसे कैद कर देंगे। अब आपको लग रहा होगा यार अब इसके अंदर तू भी फंस जाएगा, पर यार यहाँ पे छोटा बच्चा है तो यार ये निकल जाएगा इसमें से, और भाई ने वहाँ से लिवर वापस से छोड़ डाला है भाई। अब ये राक्षस को हमने इतना बड़ा पोपट काटा है ना इसका ज़िंदगी में से, यार कभी इसको अब समझ नहीं आएगा कि यार ये कैसे हुआ, इतना बुद्धू भी मैं कब से बन गया भाई। यहाँ से मैं वापस से मदद करने आ गया, हमें ऐसा लगा था ये राक्षसी हमें छोड़ के चले गई है, पर यार ये इतनी अच्छी राक्षसी निकली कि यार ये वापस से हमें मदद करने आई यहाँ पर। तो यार मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि ताला लग जाता है, ताला नहीं लगा रहा है, ये तो उसे चिढ़ा रहा है ये छोटा भाई। तो वापस से अपने मिशन पर चलते हैं यार, जो अपना काम है उसी काम पर हम अपना फोकस करके आगे बढ़ते हैं। इसको चढ़ान करनी पड़ रही है अभी पूरी इस जंजीर के ऊपर से, तो भाई ये राक्षसी अब अपनी ये पालकी सी में बैठ गई है, देखते हैं यार इस पालकी में हो रहा क्या है। इसके अंदर शायद से हमारा तो कोई सिस्टम नहीं है तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा, तो साइड से एक सीढ़ियाँ भी जा रही हैं। चलो यार इस साइड से चल के देखते हैं, आ जाओ बड़े भैया, चलो उस साइड से चल के देखते हैं। तो यहाँ पर वापस से हमें एक ऐसा ऑब्स्टिकल मिल गया जो हमें एपिसोड सेकंड के अंदर मिला था इसी गेम के अंदर, तो यार वापस से हम एक साइड से मैं पकड़ूंगा और वापस से मेरे भैया भी एक साइड से पकड़ेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इस राक्षसी को इस मैप के थ्रू लेके जाना पड़ेगा। ये जो अपना ये जो यहाँ पे जो हम जिसको हिला रहे हैं, इसको यार बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन करा गया है जैसे कि यहाँ पे ऊपर उसके जो एक मैप लगा हुआ है क्या, तो यार ये मैप ही समझो इसको। तो हम इसके थ्रू ऐसे साइड कर करके हम ऐसे लेके जाएंगे, तो यार अब हम वापस से इसको लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे। तो यार भाई जल्दी से लेफ्ट की तरफ मोड़, अरे यार मुड़ नहीं पा रही यार, हम दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो रहा। हाँ अब लेफ्ट की तरफ मुड़ गया है, तो बस अब सीधे लेके जाएंगे और ये राक्षसी वहाँ पे उतर जाएगी। इससे हमने इस राक्षसी की बहुत ज़्यादा मदद कर दी ये काम करके। तो यार वहाँ पे इसको उतारने के बाद में हमें इसको वापस इस्तेमाल करना था, हम ये इस्तेमाल करना भूल गए थे, तो इस वजह से हम वापस से इसको इस्तेमाल करके अब दूसरे मैप की तरफ में हम इसको लेके आते हैं। क्योंकि यार ये अगर हमने वहाँ पर ब्रिज की तरफ नहीं बनाया तो यार ये ब्रिज नहीं बन पाएगा ये, क्योंकि वहाँ पर जो पूरा का पूरा ब्रिज है वो टूटा पड़ा है, तो हमको इसको ब्रिज की तरह काम लेना
पड़ेगा। तो इसको वापस से आगे की तरफ जाके इसके बाद में राइट की तरफ मोड़ने के बाद में इसे हम वहाँ पर साइड कर देंगे, जिससे कि हम इसके ऊपर से जंप करके आराम से निकल पाएंगे, क्योंकि यार वहाँ पर इतनी लंबी जंप ये मार नहीं सकते, इतने बड़े इंसान नहीं है जैसे कि वो राक्षसी थी जो कि एक ही जंप में हम इसके पार चले जाते। तो भाई इसको आगे सेट करने के बाद में जैसे यहाँ पर हमने सेट कर दिया इसको छोड़ के, अब हम सीढ़ियों के थ्रू यहाँ पर गोल गोल घूमते घूमते अब उसके ऊपर जंप करके फिर वापस हम मिशन को आगे बढ़ते हुए काम पूरा कर देंगे। तो यार ये वापस से हमारे पीछे बड़े भाई यार रह गए हैं, तो जल्दी से चल चल के और दौड़ दौड़ के हम एक और नया जगह को देखेंगे यहाँ पर हमें क्या टास्क मिलेगा। यार ये राक्षसी हमारा यहाँ पर वेट कर रही थी और अब इस डोर को ये बंद कर देगी ये राक्षसी। तो अब यार ये हमें कहाँ पे लेके आ रही है भाई, ये तो वही राक्षस जो हमें इस गेम प्ले के एपिसोड सेकंड में मिली थी। यार ये राक्षस भाई इसको बुला रहा है, यार इसकी वाइफ लग रही है देखने से, ये दोनों बूढ़े राक्षस हैं, इन दोनों की यार ये मदद की जगह पर ये राक्षस लोग जो उनके ग्रुप के थे इनको यार जेल में डाल दिया इसकी वाइफ को, और यार ये राक्षस उसके ही बिछड़ेपन के अंदर यार रो रहा था, और एक जगह पर यार इन बच्चों ने यार इन दोनों को भी मिला दिया। यार एक काम करने का तो यार सारे के सारे कितने अच्छे अच्छे काम करे जा रहे हैं। तो भाई ये पूरा गेम प्ले सीरीज यार तो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो अगर आपको भी यार पूरी देखनी है तो प्लीज़ इसे एपिसोड फर्स्ट से लेके एपिसोड एंड तक कंटिन्यू करके रखें। तो यार अभी तो ये डलते जा रहे हैं एपिसोड, यार जब इसे कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ इसके पूरे के पूरे देखना। यार काफ़ी सही स्टोरी है, इससे बढ़िया यार कोई आपको मूवी देखने का मन नहीं करेगा, इसके अंदर आपको कार्टून की मूवी तो हो ही जाएगी। तो भाई यहाँ पे गेम प्ले भी हो जाएगा, कार्टून की मूवी हो जाएगी, और ये राक्षस आया है यार, ये वही राक्षस है जो कि हमने जब इसको जेल के अंदर बंद कर दिया था जब हम इस राक्षसी को छुड़ा के लेके आए थे। तो यार ये राक्षस अभी बहुत गुस्से के अंदर है, ये चड्डी पहना हुआ राक्षस अभी हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से हमें ललकार रहा है। तो इसने एक साइड से चेन तो तोड़ी दी है, तो यार दूसरी साइड से भी ये चेनें तोड़वा के हम इस राक्षस से मदद ले लेते हैं उनका। तो यार ये राक्षस अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, इसको पता नहीं चल रहा कि हमारा क्या प्लानिंग है। ये प्लानिंग तो खैर हमारे मित्र राक्षस ने बताई थी जो हमें स्टार्टिंग एपिसोड सेकंड के अंदर मिला था। तो यार ये राक्षस वापस अब इसके पीछे पड़ गया और हम सैड कर देंगे भाई, ये काम हो गए, हमारी तीन चेनें टूट गई हैं, अभी हमें चौथी चेन को तोड़ना पड़ेगा बस, और इसके बाद में तो ये राक्षस हमारे काबू के अंदर आ जाएगा। भाई ये तो किसी और डायरेक्शन में चलेगा, इतने पास से करूँगा तो यार ये काम नहीं बन पाएगा, उल्टा इसके अंदर खतरे की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यार जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ मैं, दूसरी साइड पे चलता हूँ और वापस से हम उसी साइड के अंदर चलता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा दूर लोकेशन हो गई है इस बच्चे और राक्षस के बीच में। तो यार भाई दूसरी जगह पर ही चल लेता हूँ इससे बढ़िया, क्योंकि यार ये ऐसा लगा था कि ये मार ही डालेगा, इस वजह से मैं दूसरी जगह पर आ गया। चलो यार इस बार यहीं पर ही डायरेक्ट छोड़ देता हूँ, इसका काम सीधे सीधे खत्म हो कर देता हूँ। तो यार ये जो बीच में एक लकड़ी का ये जाला सा बन रहा था ये टूट गया भाई, ये नहीं, ये जाला टूटा नहीं, एक्चुअल में ये जाला टूटा नहीं है दोस्तों, इस जाले के साथ में यार ऐसा है कि बस ये लीवर खींचने पे खुल जाया करेगा, पहले जंजीर ढीलने की वजह से यार ये जाला खुल नहीं पा रहा था। तो यार जंजीर टूट गई है, जो इस राक्षस ने ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार के इस जंजीर को तोड़ दिया है। तो फिर अब हम इसको इस जाल के अंदर गिरा देते हैं अपने, तो यार ये जाल के अंदर अटक गया है राक्षस। भैया जल्दी आओ, जल्दी भाग कर आओ जल्दी से, अरे वहाँ पे मत लगो, जल्दी आओ जल्दी, अरे यार कहाँ ना, जल्दी आओ जल्दी, वहाँ पे क्या उसको खड़े होके खींचे जा रहे हो, जल्दी आ जाओ यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब पता नहीं क्या करना है यार इस राक्षस से, यार हमें क्या फ़ायदा मिला यार, क्योंकि यार ये हम तो कहीं और जा भी नहीं पा रहे। अच्छा इसके हाथों को छुड़ाना है, एक हाथ छुड़ा दिया, आप भी हाथ छुड़ा दो, वापस से पकड़ लिया भाई, बड़ा आरामी है तू, ढीठ इंसान है बड़ा ही। तो वैसे ये दोनों के दोनों बूढ़े पति पत्नी हमें इस वजह से ऊपर से देख रहे थे क्योंकि यार ये बूढ़े हैं, इस राक्षस को कैसे मार पाते। तो यार इन्होंने बस आइडिया दिया क्योंकि यार बूढ़े लोगों के पास आपने भी सुना होगा कितना सारा एक्सपीरियंस होता है। तो यार इन्होंने अब हमें ऊपर खींच लिया है, तो यहाँ से अब ये चलते हैं। तो यार ये अब पति पत्नी अपनी ज़िंदगी से पूरे खुश हैं, तो यार अब हम दोनों भी चलते हैं, भाई दोनों चलते हैं और दोनों पति पत्नी भी चलते हैं। तो भाई यहाँ पर हमें एंड में यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि ये जगह कहाँ पर मिलेगी, तो ये इन दोनों राक्षसों ने बताया कि ये तुम्हें इसके लिए उस साइड जाना पड़ेगा। यार मैंने जैसे कि आपको पहले सेकंड एपिसोड के अंदर बताया था कि ये राक्षस इस वजह से रो रहा होगा क्योंकि इसकी पत्नी शायद से इसको छोड़ के चले गई है, तो यार इसकी पत्नी इस वजह से छोड़ के चले गई थी क्योंकि यार इसको बंदी बना लिया गया था, तो यार इनकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से हमने बस एक अंदाज़ा लगाया है इस पूरे गेम को देख के। तो भाई अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा अंदाज़ा 70-60% तो सही ही था। तो यार जो ये आप सामने पेशेंट के रूप में देख रहे हैं ये इन दोनों भाई का पापा है, तो यार ये बहुत बीमार है, ये दोनों भाई यहाँ पर अपने पापा को छोड़ के गए हैं। तो ये जो साइड में बूढ़ा इंसान दिखाई दे रहा है ये इनका वैद्य है, तो ये इनके आसपास के सारे लोगों को ये वैद्य संभालता है और इनको ही सुरक्षित रख के रखता है। तो यार अब इनके
बेटे कब आएंगे, इनको इसी बात का इंतज़ार है। तो देखते हैं यार कब तक हम अपना पूरा मिशन कर पाएंगे। इनका पापा यार यहाँ पर वेट कर रहा है, तो इस चीज़ का यार उनको भी पता है, बच्चों को, कि यार उनको जल्दी से औषधि लेके आनी है और इनके पापा को सही सलामत इनको सही तरीके से पहले जैसा बनाना पड़ेगा। वैद्य जी ने कहा है कि इसका टाइम इतना है, तो भाई टाइमिंग भी पूरी फुल हमको दे के रखी है, तो शायद अभी हमारी टाइमिंग पूरी नहीं हुई है। तो अब यहाँ पर आ गया है बच्चों वाला सीन्स, तो यार बच्चे क्या कर रहे हैं चलो देखते हैं। तो यार मैं यहाँ पर छोटा भाई होने के नाते यहाँ पर पहले खर्राटे मार के सो रहा हूँ ढंग से टेंट के नीचे, तो आग लगा के हम सामने खड़े हुए। ये क्या यहाँ पर भेड़िए, ये भेड़िया यहाँ पर कैसे आ गए यार जंगल के अंदर, यार ये भेड़िया यहाँ पर आ गया। अब इनको यार एक और बड़ी चुनौती का सामना करने जाना होगा यार। इसने जल्दी से मशाल निकाल ली जो आग लग रही थी और अपने छोटे भाई को जगा रहा है ये। तो मैं जग गया हूँ यार यहाँ पे, अभी देखते हैं मेरा क्या सीन होगा। अभी भाई अंगड़ाई मत लो, छोटा भाई भी अपनी ज़िंदगी से यार अलग ही, मैं क्योंकि यार उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि यहाँ पे भेड़िया आ गया है, कौन आ गया है, इसका भाई कितना टेंशन के अंदर है। तो यार ये भी कोशिश कर रहा है कि एक मशाल ले पाए और भेड़ियों को डरा पाए, तो पर यार ये बार बार इसके हाथ जल जा रहे हैं। पर ये तो भी अपना ट्राई करेगा यार कैसे भी करके यार इसको एक मशाल मिल ही जाए इसमें से। तो यार चलते हैं हम वापस से, भी चलते हैं पीछे तो जा नहीं पा रहे यार, हमें आगे ही जाना पड़ेगा। तो चलते हैं यार यहाँ पर आगे की तरफ में, ये भेड़िया हमारे सामने आ गया है, इसको जल्दी से भगा दो भैया, भैया आग लगा दो इस भेड़िए के बालों में। तो यार ये मैं पीछे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ जो इंसान हूँ वो मैं हूँ, जो उसके पीछे है मैं अपने भाई के। तो ये जो भेड़िए हैं यार ये डर डर के भागे जा रहे हैं, और अच्छा है जल्दी से डर के भाग जाएंगे जिससे कि हम यार अपना आगे अपना मिशन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत देर तक सोए रहे थे, अब जाग गए हैं, तो यार सही है। अब भाई पीछे रह गया यार, आग तो पीछे यार आई नहीं रही, यानी कि उजाला तो आई नहीं रहा पीछे से, पर यार भेड़िया ज़रूर यहाँ पर आ गया। तो यार वापस से गेम रीस्टार्ट हो गया उसी चेक पॉइंट से। तो यार वापस से अभी हम इन सारे भेड़ियों को पीछे करते जाएंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो यार एक पहला की तरह पहला वाला भेड़िया भी चले गया, ये दूसरा वाला भी चले जाएगा जैसे कि पहले हमने देखा था। और यार और भी आंखें टमटमाते हुए दिखाई दे रही हैं, पर यार वो धीरे धीरे गायब होते जा रही हैं। सारे भेड़िए जो आसपास के वो डर डर के भागे जा रहे हैं इस मशाल से, क्योंकि यार भेड़ियों को बहुत ज़्यादा डर लगता है मशाल से, आग से। तो भाई ये सब के सब यहाँ से डर डर के भाग रहे हैं, अगर इनको थोड़ा भी एक मशाल में से आग का तिनका भी लग गया तो इनके पूरे खाल जल जाएगी, जिस जो कि इनके बालों की होती है। तो भाई अभी हम बहुत आगे निकल गए हैं और पीछे यार हमारा कैंप था वो बहुत पीछे रह गया है। तो यार यहाँ पे एक और भेड़िए की आँख चमकते हुए दिखाई दे रही थी यार, अब भी वो चले गया। तो आगे पीछे दोनों तरफ में मशाल मारते हुए ये बड़े भैया, अब यहाँ पर यार ये कौन लटका हुआ है भाई, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर। यार गेम काफ़ी सही लग रहा है, ये बिल्कुल ही एक स्टोरी टाइप गेम है यार, कोई फिल्म की ज़रूरत नहीं, गेम देखो खेलो और मज़े करो। और भाई मैं भी बिल्कुल सहमा हुआ था, उनके साथ में चल रहा हूँ, कहीं यार कहीं से भेड़िया आ गया तो यार बहुत ज़्यादा काटेगा। यार एक और भेड़िया आ गया, ये तो भाग ही नहीं रहा थोड़ा सा पीछे, और सारे भेड़िए तो यार बहुत ज़्यादा पीछे भाग जाते थे, कम से कम 10-15 मीटर दूर भाग जाते थे। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि यार वो दिखाई नहीं दे रहे वो भेड़िए, इतने दूर भाग गए। यार ये भेड़िया बहुत ज़्यादा ही ढीठ लग रहा है, ये भाग ही नहीं रहा और ऊपर से सामने और चढ़े जा रहा है, इसको डर नहीं लग रहा, इसको डर तो लग रहा है पर यार जब भी ये हमसे लड़ाई करने की पूरी इच्छा रख रहा है। तो यार ये भेड़िया से यार कौन बचाएगा, यार ये भाग ही नहीं रहा ये भेड़िया, ये अब हम कहाँ पर आ गए यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही डरावनी जगह पर आ गए यहाँ, ये तो यार हम एक ग्रेवयार्ड के पास पहुँच गए हैं। तो सही है यार, एटलीस्ट कम से कम ये भेड़िया भागा तो सही यार, ये भेड़िया बड़ी आफत थी यार, ये भाग ही नहीं रहा था हमसे और हमने जल्दी से मशाल छोड़ दी जैसे ये भेड़िया भागा यहाँ से। तो अभी हम जाके देखते हैं अभी हमें कहाँ पर जाना होगा। तो यहाँ पर तो यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस सीढ़ी सीढ़ी और यहाँ पर ग्रेवयार्ड के जो ग्रेव्स होते हैं बहुत सारे वो दिखाई दे रहे हैं। तो यार अब हमें क्या करना होगा, दिखाई नहीं दे रहा, चलो गेट के अंदर से हम पार होके जाते हैं, क्योंकि यार हमारा भाई छोटा है तो ये पूरा पार कर जाता है बार बार। तो ये कुछ ज़्यादा ही पतले ये इन्होंने जाली लगा के रखे हैं, तो इसको ये पार नहीं कर पाएगा। और पार करके भी यार उस साइड में कोई चरखा नहीं है जिससे घुमा के हम इसको गेट को खोल लें। तो यार यहाँ से क्या करना होगा अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर यार, और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे कि हमें पता चले कि यार हम ये करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यार वापस हम पीछे चल के देखते हैं कि पीछे कुछ सुराग तो नहीं रह गया, कुछ चीज़ तो नहीं रह गई जो हमने मिस कर दी हो। तो यार हम वापस से अपनी जगह पर जा रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। तो यार यहाँ से जो ग्रेवयार्ड की स्टार्टिंग करी थी हम यहाँ पर जाके पहुँच के देखते हैं कि यार यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिसिंग रह गई होगी जो हमारे नहीं देखी होगी। तो यार यहाँ पर एक एंजल सी दिखाई दे रही है, उसके सामने बड़े बड़े कैंडल दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा विशेष मांग रहा है, तो इसकी विशेष के लिए एंजल कुछ कर दे। भाई इसने तो पूरी की पूरी विश ही मंजूर कर दी है।
अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है यार, इस एंजल के अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां हैं यार। जैसे ही इसने विश मांगी वैसे ही एक टूटता सितारा हमें दिखाई दे गया। तो यार इसने तो यार पूरा का पूरा काम कर दिया, पर यार हमें और कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। भैया तो यार यहाँ पे आराम करने के लिए बैठ गया। अरे यार आराम क्यों कर रहे हो, उठो यार। अरे आराम से दूसरे पाँव पे पाँव रख के यार आराम से देख रहे हैं नज़ारा। यार कोई बैठने की जगह ही है यहाँ पे, तो बहुत लोग डर जाते हैं यार देख देख के ऐसी जगहों को। तो यहाँ पर भी पर यार हमें कोई और सुराग नहीं मिला यार। वापस से हम देखते हैं, क्या पता वहीं पर ही हमने कुछ छोड़ दिया हो। यार एक घंटा यहाँ पे क्यों लगा यार, ये घंटा थोड़ा अलग लगा है। तो यार हमने एक बार बजा के देख ही लिया इस घंटे से क्या हुआ है, देखते हैं। अच्छा लाइट जल गई भाई, इस घर के अंदर लाइट जल गई। देखते हैं यार इसमें से कौन निकलेगा। ये कोई इंसान निकल आया इसमें से, शायद से इस ग्रेवयार्ड का कोई मालिक होगा जो इसकी निगरानी रखता होगा। तो यार ये निकल आया, ये बच्चा, उससे लैंटेन मांग रहा है। भैया लैंटेन दे दो यार अपनी। पर ये बुढ़ापा भी यार ये लैंटेन इसको दे नहीं रहा है। तो देखते हैं यार ये, अरे वापस से यार मांगा और वापस से मांगा दिया यार। ये मना ही करते जा रहा है इस बच्चे को, यार लैंटेन भी नहीं दे रखा। ऐसा इंसान है यार ये। हमारे बड़े भैया ने वापस से इस मैप के बारे में पूछा, तो यार इसको मैप के बारे में पता है यार। ये इंसान ने बताया कि उस साइड में जाके मिलेगा। तो यार ये अब हमारे साथ में आ रहा है, शायद से ये अब हमारा पूरा मिशन कराएगा। अब पहले यार ये गेट तो खुले, जभी तो आगे होगा। शायद से ये इंसान गेट खोलेगा और हमारे साथ में चलेगा। अब मेरे को लग रहा है कुछ देर तक यार ये इंसान हमारा एक साथी बन के मदद कराते रहेगा। इसने ताला खोल दिया है और भाई ये खड़ा हो गया यहाँ पे। ये मेरे को नहीं लग रहा, अब नहीं लगा रहा भाई ये मदद कराएगा। ये तो बस इसने हाथ हिला दिया, बस चल दिया। ये बुढ़ापा यार क्या मदद कराएगा। वापस से हमें यार सामने भेड़िया दिखाई दे गया है यार, ये भेड़िया। अब यार हमारे पास मशाल भी नहीं, अब हम क्या करें यार। वो भाई बच गया, बच गया भाई, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। हाँ हाँ बच गया, एंड में जाके बच गया। अच्छा बोलने से अच्छा ही होता है यार। चलो कूद ही जाते हैं यार, नहीं तो और कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर हम कूद गए और इसके बाद में यार अब मेरे को तो तैरना आता नहीं है। तो जल्दी से यार उनका कंधे को पे मैं अपने हाथों से पकड़ बनाता हूँ और यार इनके साथ में ही चलता हूँ बड़े भैया के। तो यार यहाँ पर एक साथ यार डाउनफॉल आया बहुत गहरा वाला यार, खतरनाक वाला। यहाँ पर यार लैंटिन भी यहाँ पर तैर रही है यार। ये लैंटिन का इसलिए तैर रही, कुछ समझ नहीं आ रहा यार ये क्या सीन हो रहा है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन है, रात का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। और यार यहाँ पर कहीं पत्थरों से टकरा ना जाए, हम पत्थरों से टकराने की जगह पे यार इस पत्थरों पे चढ़ और गए हैं हम उल्टा। तो मैं सब तो ये कुछ अच्छा ही हो गया। चलो सही यार, यहाँ पे एक ब्रिज टाइप का बन रहा है, इस ब्रिज पे चढ़ के देखते हैं। तो पहले यार भैया आप ट्राई करो, उसके बाद में ही मैं ट्राई करूँगा। तो आपने बैलेंस बना लिया भैया ने, तो यार मैं भैया के अंदर समा के कुछ देर के लिए। तो यार अब हम आगे चलते हैं ताकि यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम अपना मिशन पर ध्यान देते हैं वापस से पिछली बार की तरह। यार हम अपने मिशन को जल्दी जल्दी से स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी से ख़त्म भी कर देंगे। तो यार अभी हम बहुत आगे आ गए हैं, यहाँ पर अभी हमें कुर्सी दिखाई दे रही है। पर यार हमें यहाँ पर रेस्ट करने का कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यार ये बहुत ही ज़्यादा रात है। इस रात के अंदर बैठ के हम करेंगे ही क्या। वैसे सो रहे थे तो उस टाइम पर तो इन भेड़ियों ने सोने नहीं दिया। और अब हम यार जब यहाँ पर इतना सारा काम करने वापस लग गए हैं, तो यार ये वापस से हमारा हम ध्यान भटकाने के लिए, वहाँ पर रेस्ट के लिए, टाइम देने के लिए हमें एक कुर्सी दिला दी है यहाँ पर। यार जल्दी से इस पर जंप करता हूँ, इस पत्थर को मैं पकड़ लूँगा। भाई ये पत्थर ही टूट गया यार जी, कहीं पे ना पड़ गया बच्चे के यार, कहीं कपड़े पे ना पड़ गया। उसका भाई भी उसके साथ में आ गया, जबकि अभी उसने थोड़ी भी देर नहीं करी और उसका भाई भी इसकी मदद करने के साथ में आ गया। ये इतना ज़ोर से यार यहाँ पर पानी बह रहा है, इससे तो यार इसका भाई और ये दोनों छोटे भाई, ये दोनों के दोनों अलग हो गए यार। अब कहीं ये अलग ही ना हो जाए हमेशा के लिए यार। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन हो रहा है अभी यहाँ पर। तो यार यहाँ पर जल्दी से इस लकड़ी को पकड़ लेगा तो इस बच्चे का, ये छोटा भाई तो लकड़ी नहीं पकड़ पाया, पर यार ये पत्थर पर ज़रूर आ गया है। तो यार यहाँ पर इसका छोटा भाई बच गया, यहाँ पर पत्थर पर आ गया। बड़ा भाई वहाँ उस झरने में से कैसे भी करके निकल आया, क्योंकि बड़े भाई को तो यार तैरना आता है यार। वो बड़ा भाई इसको पुकार दे रहा है कि यार जल्दी से इस डंडी को पकड़ो और मेरे पास आओ। पर यार ये थोड़ा सा बेहोश हो गया शायद से छोटा भाई। अब मैं यार इस पे से खड़ा होकर यार इस लकड़ी को पकड़ता हूँ जल्दी से। तो भाई जंप कर देता हूँ यहाँ पर इस पर, तो ये पूरी चट्टान चढ़ गई यार, कभी लकड़ी में टूट जाए यार, कुछ भी हो रहा है यार यहाँ पे, टूट रहा है, फूट रहा है कभी वो पत्थर तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अरे ये पेड़ कैसा था आपने देखा दोस्तों, यार ये पेड़ कितना खतरनाक था। ऐसे लगा था कि कोई नॉर्मल सा पेड़ ही है, पर यार ये पेड़ ने तो यार पूरा का पूरा हमें पेट डाला यार एक ही हाथ में। इस बार इस पेड़ से यार बिल्कुल बच के जाना पड़ेगा। और भाई इसको इसकी मदद ऐसे करेंगे कि यार उसको खिसका खिसका के बिल्कुल छोड़ तक ले आएंगे, जहाँ पर यार ये ऐसे खतरनाक पेड़ ना हो। तो यार बिल्कुल बच बच के चलना पड़ेगा। नीचे से यार वो एक और पेड़ दिखाई दे रहा है मेरे को, जो कि हाथ मार सकता है और हमको मार सकता है। तो भाई यहाँ पर जल्दी से मैं नीचे हो जाता हूँ, क्योंकि यार एक और नीचे की तरफ में पेड़ आ गया है। तो भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन बन रहा है, इससे बचना भी बहुत बड़ी मुश्किल बात हो रही है हमको।
ऊपर चढ़ के थोड़ा सा बीच में आके यार, ताकि नीचे वाले ना ही ऊपर वाले कोई भी ना मेरे को हाथ मार पाए। तो ऐसे ही होके जाना पड़ेगा मेरे को अब यहाँ से, और ये मेरे को खिसका खिसका के यार इस साइड तक लेके आ रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं यार। बहुत भारी तना है ये पेड़ का, तो यार इसको उठाना भी बहुत बड़ी बात है। ऊपर से अपने छोटे भाई का भी वजन उठा रहा है यार। भाई ये कैसे इसको पूरा का पूरा पार करेंगे यार, देखना होगा यार। बहुत दूर तक तो यार कर दिया भाई। बीच में से एक पेड़ आ गया, उसने तोड़ ही डाला इसकी। क्या बुद्धि खराब हो गई यार पेड़ की। भाई उस भाई को भी ऐसे खरोंच मारने की उसने कोशिश करी, पर कुछ कर नहीं पाया भाई। नीचे डुबकी मार दी उन्होंने ताकि यार अपने छोटे भाई को बचा पाए। तो यार जल्दी से नीचे नीचे से आ रहे हैं यार। इतनी देर तक यार सांस रोकना ही बहुत बड़ी मुश्किल बात हो जाती है, और इतनी गहराई के नीचे यार वाटर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिससे कान के यार पर्दे फटने के भी चांस होते हैं यार। इतना खतरनाक स्थिति के अंदर इस छोटे भाई को बचाने के लिए आया ये बड़ा भाई। भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम हो रहा है अभी, आप समझ नहीं पा रहे होंगे शायद। तो यार जो समझ गए यार उनको पता ही चल पा रहा होगा यार कितना ज़्यादा मुसीबत वाली स्थिति के अंदर भी बचा रहा है ये बड़ा भाई। तो अब ये पानी के अंदर से निकाल लिया है इसको, पूरी तरीके से रेस्क्यू कर लिया है। तो यार ये इसके अंदर पानी तो नहीं भर गया इसके पेट के अंदर, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई है यार। तो यार कैसे भी करके यार ये बच्चा खड़ा हो गया यार, इसकी भी बात माननी पड़ेगी यार। यार ये इंसान यार थोड़ी देर में यार खड़ा हो उठा, नहीं तो यार इतने में तो यार बहुत देर तक तो कोई इंसान रेस्ट लेता है। पर यार अपने पिताजी के लिए तभी की तभी खड़ा हो गया यार। क्या बात है यार इसकी, यार लड़का यार ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है यार। ये दोनों के दोनों ही बढ़िया बेटे हैं यार इनके पिताजी के यार। इतना अच्छी तरीके से सारे इंस्ट्रक्शंस मांग रहे यार। ये इतना बड़ी हाथ किसका है भाई, ये किसका हाथ है इतना बड़ा। इस पर चढ़ के ज़रा देखते हैं यार एक बार, ये किसका हाथ है सामने भाई। ये इतनी बड़ी लड़की ये ऐसे इस पर खड़ी होके ऐसे लेटी हुई यार। उस बड़े भाई का यार सर झन्ना रहा है यार, उसका सर खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है यार उसका। और यार ये उसको सहला सहला के देख रहा है उसके माथे को यार। ये इनके कुछ रिलेशन में लगती है कुछ ऐसा ही इस टाइप का सीन बन रहा है क्या। ये कुछ जादुई जंगल है जिसके अंदर ऐसा टाइप का हो रहा है चीज़। वैसे तो यार ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन दिखाई दे रहा है मेरे को। पर यार इसका भाई यार ये पता नहीं क्यों अपना हुंडी को हिलाए जा रहा है। यार इसके हाथ में देखो यार इसके पापा यहाँ पे लेटे हुए यार। ये कौन भाई, ये कैसे लेके आ गई इसके पापा को यहाँ पर, और ऐसे हाथ के नीचे दबा के रखा है उसके पापा लेटे हुए यार। कहीं मारना दे यार, छोड़ दिया यार। उसने वहाँ से हाथ हटा दिया है, जाके देखते हैं पहले तो यार उसके पापा के पास जाके देखते हैं। भाई को तो होश नहीं आ रहा यार, पूरा ट्राई कर रहा है यार छोटा भाई, पर जब भी यार होश नहीं आया पहले पापा को फिर ट्राई करके देखते हैं यार, जगा के उठा के कोशिश करते हैं भाई बचाएंगे पापा को। अबे यार ये भाई इसको कैसे मार रहा है यार यहाँ पर यार, इसका दिमाग ख़राब कर दिया है। ये क्या हो रहा है यार इस गेम के अंदर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, अपने छोटे भाई को ऐसे मार रहा है। सो गाइस वीडियो के आगे क्या हुआ ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यार इसके आगे आपको ऐसे पता चलेगा, क्योंकि यार कुछ टाइम बाद में हम इसको अपलोड कर देंगे, एक और नई हम एपिसोड डाल देंगे इसके अंदर। और उससे पहले यार इस वीडियो से पहले भी दो वीडियो और बन चुके हैं इस गेम के, जो कि है ब्रदर अ टेल ऑफ टू सन्स। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के अंदर। और यार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि यार आपको कौन सा सीन अच्छा लगा। और अगर आप ऐसे ही और कमेंट्री की वीडियो और चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड करके रखे हैं यार, GTA 5 की एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी सीरीज़ बना के रखी है हमने, तो उसको प्लीज़ देखना यार, बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई है जो हमने बनाई है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।